जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग 11th क्लास और NDA और JEE मेंस के लिए हम लोग लिमिट पढ़ने जा रहे हैं। यह जो लिमिट है हम लोग लिए हैं, एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म में होता है, एक नॉर्मल होता है लिमिट। तो देखते हैं कि नॉर्मल है, अगर नॉर्मल रहेगा तो सीधे हम वैल्यू रख देंगे, और इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो आपको पास जो लिमिट का फॉर्मूला है तो उसको यूज करेंगे। आपको लिमिट का फॉर्मूला नहीं अब जान रहे हैं, जो अच्छा नया 11th क्लास में आया हुआ है तो वह क्या करेगा, मेरे वीडियो में जाएगा, लिमिट क्या खोजेगा, प्लेलिस्ट में जाएगा, वहां पर लिमिट के फॉर्मूला सब डिस्कस कर दिया गया है, वहां से देख लेगा। आते हैं मेरे दोस्तों, कह रहा ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यह x टेंड्स टू इन्फिनिटी कह रहा है, मतलब कि x टेंड्स टू आपको इन्फिनिटी कहने के मतलब है कि यह इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह जब इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करेंगे, इसको यहाँ पर इन्फिनिटी अगर पुट कर देगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा अब पावर इन्फिनिटी, मतलब कि यह इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी या इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। अब इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस तरह कंडीशन जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बनाने के प्रयत्न करेंगे और यह सोचेंगे कि इसको मतलब ढाल दें नॉर्मल फॉर्म में। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ई ले लेंगे, ई ले लिए यहाँ पर, और यह इसको चेंज कर दिए, ई पे हो गया आपका लॉग, लॉग लेंगे तो एक्स हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, और यह पावर जो है इसका गिर जाएगा, तो गिरेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग, हो जाएगा लॉग एक्स बाय वन प्लस एक्स। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह कट जाएगा, फिर यह जस्ट कतर सा जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ध्यान देंगे जो बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है, देखिए e पे log ओवर हम ले लेंगे x, इसका मतलब कि इसका मान x नहीं रह जाएगा, क्योंकि देखिए यह जो होगा एक्सचेंज फॉर्मूला होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर e ओवर है तो क्या करेंगे, यहाँ पर यह e यहाँ पर x आ जाएगा, तो x हो जाएगा एक्सचेंज फॉर्मूला से बेस एक्सचेंज फॉर्मूला, तो e और e इसका मान जब जानते हैं कि जब बेस और उसका मतलब लॉग समान हो जाता है, तो लॉग ई अब बेस ई है समान हो जाता है, तो इसका मान वन हो जाता है, इसका मतलब कि एक्स पे पावर वन, तो एक्स हो गया, इसका मतलब कि जस का तस या जो यहाँ पर था वही अभी है, कोई चेंजिंग बदलाव नहीं हुआ है, इसका पावर यहाँ पर गिर गया, अब ई एक्स हो जाएगा, यहाँ से लेंगे लिमिट, ध्यान देंगे मेरे दोस्त, यह हो जाएगा आपका, अब यहाँ से आने के बाद यहाँ से यह कर देंगे प्लस, क्योंकि हम जानते हैं लॉग जो होता है आपका लॉग एक्स प्लस अगर वन रहता है बाई अगर एक्स रहता है, तो इसका जो मान अगर लेते हैं हम, ध्यान देंगे अगर जीरो रहता है तो इसका मान वन हो जाता है, बट अगर मान लेंगे, ध्यान देंगे अगर इसको ऐसे लिख दें यहाँ पर, अगर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी है तो क्या करेंगे, वाई इक्वल टू वन बाई एक्स लिख देंगे तो यह जीरो हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसके आसन पे पुट कर देंगे यार, तो वन बाई एक्स हो जाएगा, ध्यान देंगे वन बाई एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं, तो मेरे दोस्त यह इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं तो ई हो जाएगा वन बाई एक्स, ई हो जाएगा आपका वन बाई हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन, तो माइनस आ जाएगा मेरे दोस्त एक्स प्लस वन अब बाई एक्स, एक्स टेंस टू हो जाएगा जीरो, तो इसका मान हो जाएगा आपका वन, मतलब कि ई पे पावर हो जो वन हो जाएगा, यह वन हो जाएगा, इस तो हो जाएगा आपका यह, मतलब वन बाई ई आपको आ जाएगा। आई होप को समझ में आया होगा, क्या कर दिए हम इसको इस रूप में चेंज कर दिए, ध्यान देंगे x x टू इन्फिनिटी था तो इसको y मान लिए और वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो कर दिए, मतलब कि y जो है इसके बराबर है। अब क्या किए कि हम यहाँ पर y ना रखकर मतलब कि इसी को चेंज कर दिए वन बाई एक्स, तो क्या हुआ कि आपका यह चेंज हो गया। आया देख ध्यान देंगे, जब यह होता है लॉग लॉग अगर मान लीजिए वन बाई एक्स रहे, कोई बच्चा लिख लिया लॉग एक्स पे पावर माइनस वन लिख दिया, तो पावर जो हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा लॉग एक्स, तो यही एक अप्लीकेशन का जो फॉर्मूला है यहाँ पर इस्तेमाल किए, तो यह बाटा में चला गया, पावर हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ पर गिर गया मेरे दोस्त, यहाँ पर जो वन बाई एक्स था इसके साथ चल गया, तो लॉग हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स,
तो लॉग लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स लिमिट टेंड टू जीरो जब होता है इसका मान वन हो जाता है। तो जब इसका मान वन हो जाएगा तो इसका मान जब वन पुट करेंगे तो हो जाएगा ई पे पावर माइनस वन, इसका मतलब कि वन बाई ई हो जाएगा आपका, इसका मतलब आंसर आएगा वन बाई ई। आई होप आप समझे होंगे। यह क्वेश्चन मतलब कि इन्फिनिटी में पावर इन्फिनिटी का यह था, अब बहुत यूजफुल है कॉन्सेप्ट है, तो इस्तेमाल कर लीजिए। यह पक्का है कि जेई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अब जो जेई मेंस होने वाला है मतलब कि बहुत यूजफुल क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। अब वह एनडीए के लिए भी यह नेसेसरी है जो इलेवेंथ क्लास के बच्चा तहिबे किए हैं, ऐसे इलेवेंथ क्लास के यह मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इलेवेंथ क्लास इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं राइज करेगा और नहीं पूछेगा आपको। अब आते हैं यह क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि लिमिट वन प्लस तो ध्यान देंगे दोस्त यह जो हो जाएगा जीरो, तो मतलब कि यह जीरो हो जाएगा इसको एक्स इन्फिनिटी पुट करेंगे तो, और इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो यह आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मतलब वन पे बाई इन्फिनिटी हो जाएगा यह, तो इसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे जस्ट का तस रखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर पावर एक्स प्लस वन है तो यह आपका जो फॉर्मूला इन्फिनिटी वन पावर इन्फिनिटी वाला है। तो मैं दोस्त यह ध्यान देना जरूरी है कि यह जो रूल होता है बताया गया होगा आपको कि एक्स लिमिट रहेगा वन प्लस एक्स और वह वन बाई एक्स रहेगा, तो का एक्स टेंस टू अगर जीरो है तो आपका का इसका मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना जरूरी कि लॉग अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा आपका तो यहाँ पर वन प्लस वन बाई एक्स रहेगा, यहाँ पर एक्स रहेगा तो यह इसका मान हो जाएगा वही होगा आपका ई हो जाएगा। अब उसी तरह इसका इस्तेमाल कर लेंगे, इसका मतलब कि यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं तो हो जाएगा ई। अब यहाँ पूर्ण वन घटा देते हैं तो यह पावर होता है इसमें गिर जाता है, तो पावर गिर गया इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इसमें वन घटाएंगे तो वन प्लस वन बाई एक्स और माइनस वन, तो वन वन कट जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस वन और बाई हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना जरूरी है जब वैल्यू इसके पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, ध्यान देंगे आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जब हो जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे जब हम यह लिमिट इसका टेंस टू इन्फिनिटी है तो इसका पावर नीचे है, आपको मालूम है कि इन्फिनिटी की जब पावर नीचे हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा आपका वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर और वन हो जाएगा, तो यह जीरो हो जाएगा भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब जीरो बाई वन मीन्स हो जाएगा जीरो, जीरो इस पर पावर रख दे तो इसका मान हो जाएगा वन। यह जो बच्चा को नहीं बुझाएगा वह बात एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि जो भी रूल होता है लिमिट ओवर एक्स प्लस वन बाई एक्स वन प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर रहता है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रहता है तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना जरूरी है, यह चेक करना पड़ता है कि नोमिनेटर की जो पावर कितना है, तो नोमिनेटर के पावर जो है आपका यह वन कम है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब कि अब हम इसी के जितना है सबसे मैक्सिमम पावर है उसलिए भागा देते हैं, जब भागा देंगे तो इसका हो जाएगा वन बाई हो जाएगा एक्स और प्लस जो हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो यह हो जाएगा कट जाएगा वन हो जाएगा। यह इसके जब क्या करेंगे इन्फिनिटी के उल्टा होता है तो जीरो, यह जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी का उल्टा होता है तो जीरो, जीरो अब बाई वन मतलब कि जीरो नेट हो जाएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट इसका जीरो आ गया। जब इसके मान यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ई पे पावर जीरो मतलब वन, इसका आंसर आ गया आपका वन। आई होप मेरे दोस्त समझ में आया होगा, बहुत ये क्वेश्चन इजी था, यह क्वेश्चन मतलब कि इलेवेंथ क्लास के लिए मतलब इतना हार्ड तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट यह क्वेश्चन एनडीए और आई आई टी जी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और का बच्चा जो एनडीए में दे रहा है इसका तो यह इसके लिए बहुत खास बनेगा, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। आई होप मेरे बात को समझ में आया होगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की अनुमति दीजिए, जय हिंद सब यहाँ पर आकर।